खरगोन जिले की भगवानपुरा तहसील के गांव मोहना में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस को ससुर ने सूचना देकर बुलाया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि पति पत्नी रात में कमरे में सोए हुए थे, वहीं पति ने सिर पर जोरदार खरालिया से वार कर पत्नी की हत्या कर दी। घटना के बाद उमराव ने अपने पिता नाहर सिंह के कमरे का दरवाजा खटखटाया। दो पोतों के साथ दादा सोया था। आरोपी ने घटना की जानकारी नाहर सिंह को दी। पिता ने उमराव के हाथ से खरालिया देख बहू के कमरे में जाकर देखा तो मर चुकी थी। आसपास के लोगों को सूचना कर 100 डायल को बुलाया गया। पुलिस ने ससुर नाहर सिंह, पिता दिव्या उम्र 50 वर्ष की सूचना पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। मृतक का पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिस्टान कोतवाल निरीक्षक ज्ञानू जायसवाल ने बताया कि बुधवार की मध्य रात्रि में सीमाबाई पति उमराव भिलाला उम्र 35 वर्ष निवासी मोहना की उसी के पति उमराव पिता नरसिंह के चरित्र संज्ञा का लेकर हत्या कर दी थी। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। कल रात में 2 बजे डायल 100 पे इवेंट आया था। मोहना में एक व्यक्ति ने उसकी पत्नी की हत्या कर दी है। सूचना मिलने पर डायल 100 पे मौके पर पहुंची थी। मुझे फोन पर बताया कि उमराव निवासी ग्राम मोहना का है, उसने उसकी पत्नी सीमाबाई की हत्या कर दी है। मृत अवस्था में उसके घर पर पड़ी है। मैं भी मौके पर पहुंची। रात में हम लोग पहुँच गए थे मौके पर। रात में इसकी तलाश की तो ये मौके से फरार हो गया था। आरोपी सीमा का पति मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहाँ सीमा को सिर में चोट आई थी और आरोपी से पूछताछ की। ये वहाँ से फरार हो चुका था। जब ये मिला, जब इसे पूछताछ की तो उसने बताया कि चरित्र संख्या के चलते इन पति पत्नी के अक्सर विवाद होते थे। ये बात इसके पिता ने भी बताई, मृतिका के सास ससुर ने भी बात बताई। और उसके बाद इसने इसी शंका को लेकर रात में ये 11 से 12 के बीच ये गहरी नींद में जब सोई हुई थी इसकी पत्नी, तो घर में ये दोनों पति पत्नी रहते थे। इसके जो बच्चे वो सामने दादा दादी के यहाँ रहते थे। इसने बैलगाड़ी का खरालिया बोलते लकड़ी इसको लेके आया और सोई हुई हालत में उसके सिर पर वार किया। उसके सिर में गहरी चोट आई और उसका जो सिर का भेजा बाहर हो गया था। मौके पर ही घटनास्थल पे ही दम तोड़ दिया था। घटनास्थल पे उसकी मृतक का पीएम कहाँ करवाया गया? इसका अपने बिस्तान हॉस्पिटल में करवाया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।